अच्छा जी, हमारे साथ ओम शांति जी जुड़े हैं जनाब। ओम शांति जी। नमस्कार सर अरे ये तो सिस्टर जी हैं, वेलकम। जी जी नहीं मैं इसके ये जो आपने सिम्टम्स बताए ना उसी के बारे में बात करने आई हूँ ना। मैं कोई धार्मिक दृष्टि से बात करती हूँ, मतलब रिलीजियस बेसिस पर नहीं, जिसको जो आप मानना है वो माने। डॉक्टर हैं ना? जी आप डॉक्टर हैं? जी अरे कौन सी वाली डॉक्टर हैं सिस्टर जी आप? सर मैंने इंडिया से मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ आके मैंने न्यूट्रिशन बेस पे मैं जे देश में रहती हूँ वहाँ से डिग्री ली। सो मेरा अरे बेसिक ये न्यूट्रिशन है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन के ही एस्पेक्ट से ब्रेन एक्टिविटी भी सिखाते हैं। प्लीज बताइए सिस्टर जी, प्लीज बताइए, आप अपनी अपनी जी बेसिक इंफॉर्मेशन से हमें मुस्तफीद करें सिस्टर। जी जी तो मुझे जो मालूम है वही इतनी ही बात मैं करूंगी। मेरे से मजीद जो जानते हैं वो प्लीज आए और ज्यादा बताए। तो मैं कोई मैंने फिर से बात कर रही हूँ कि रिलीजियस बेसिस पे मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक अगर कोई आदमी आता है या औरत आती है कि जिसको ये सिम्टम्स है तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। इसको कहते हैं कि जो हमारा, मैं सिंपल भाषा में बात करूंगी, कोई बड़े बड़े मेडिकल वर्ड्स नहीं फेंकूंगी। ब्रेन है, उसका बड़े पार्ट्स होते हैं, तो उसका सामने का जो पार्ट पार्ट होता है उसमें ऑडिटरी नर्व और विजन ये रहती है, उसका सेंटर रहता है नर्व्स का। उसमें अगर कोई लीजन आ जाए, लीजन मतलब अगर हमको स्किन पे कुछ इरिटेशन हो जाता है ना, कहीं छिल जाता है या कुछ ये हो जाता है, तो उसको लीजन बोलते हैं। तो ऐसा लीजन अगर नर्व सेल्स में भी आ जाए तो उसको वो पेशेंट को ऑडिटरी सिम्टम्स आ जाते हैं, ऑडिटरी सिम्टम्स या विजनरी सिम्टम्स भी आते हैं। कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा, पेशेंट भला बात कर रहा है आपसे और एकदम से चुप हो जाता है और उसको दिखना बंद हो जाता है या फिर बहुत सारा उसको लाइट दिखता है और उसके कान में ये जो सर बोल रहे थे ना अभी जो आपने पढ़ा, एग्जैक्टली वही मैं बात करने के लिए ही आपसे जुड़ी थी, लेकिन मेरे से पहले वो जो उन्होंने बात कर दी बीप बहुत की आवाज है, अर्ली। वो वाली बीप जी बजिंग। जी बजिंग, और गले में कभी कभी जो हमारे गले में जब कफ होता है और हमने बोलने जाते हैं तो कैसी साउंड आती है ना ऐसे गर्र करके, तो ऐसे लगता है कि कोई बैल है वो खखार रहा है या इस तरह से, मतलब जो बैल अरे आवाज करता बाप है रे, ना, अरे हाँ उस तरह बाप से, रे, या फिर भी बजिंग या मतलब गले से कुछ बोलने जा रहा है लेकिन ठीक से आ नहीं रही आवाज, तो वो, या फिर और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं टिनिटस। टिनिटस मतलब कान में रिंगिंग की आवाज। ये काफी सारे लोगों को आती है, जिसको ब्रेन लिजन ना भी हो उनको भी आती है, मतलब ऑडिटरी नर्व में कुछ अगर सूजन आ जाए या तो फिर एज के लिए वो थोड़ा सा एज के हमारे उसको सभी जगह से थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है ना शक्ति, हमारी मसल्स में से कम होती है, किसी को आंखों में से जी दिखता जी नहीं है, इसी तरह कानों में भी रिंगिंग की आवाज आती है। मुझसे ज्यादा कोई अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट है अगर स्ट्रीम पे तो वो आके जुड़े और वो यार, वो ज्यादा मजीद इसको बता सकते हैं। विक्रांत जी कांत जी जुड़े थे लेकिन वो चले गए हैं। उनका जो है ना वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया है। लेकिन मैं सुनाता हूँ सर, एक और हदीस है सिस्टर जी, आपको दिखाता हूँ। मोहम्मद साहब जब रेवलेशन आ रही थी तो उन्हें उनसे लोगों को ऊंट की आवाजें भी आती थी। ये हाँ देखे सर, मतलब ये देखिए जी सर, ये सुने ऊंट की आवाज कैसी होती है, सुनिएगा। जी सर मैं कुछ कहूँ? देखिए मैं आपको पढ़ा देता हूं। आपने जब कहा ना कि वो नर्व जो है वो खराब हो जाती है तो उसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये देखें, ये हदीस है, ये बताती है। The prophet who was snoring, I looked at the prophet, जब revelation आती थी, looked at, it was like he was snoring, and the sub-narrator thought that he said, the snoring was like that of a camel, कि उन्हें ऊंट की आवाज की तरह की स्नोरिंग आ रही है। अगर आप देखें तो स्नोरिंग और ऊंट की आवाज बड़ी करीब करीब है। ये देखिए, ये स्नोरिंग और ऊंट की आवाज। कितनी गंदा आवाज है। तो अभी हमारी सिस्टर ने जो बयान किया कि जब ये वाला प्रॉब्लम होता है, तो आपने कहा था कि वो कई गले की कुछ, क्या जरा दोबारा बताइएगा जरा प्लीज। हाँ
हाँ, मैं वही बता रही थी कि पूरे बॉडी में जो मस्क्यूलर जो छोटे मसल्स होते हैं, जो जिसको मतलब आँख के हैं या कान के हैं या गले के हैं, जो हमारे बड़े बड़े मसल्स नहीं जो हमको दिखते हैं, अंदर के जो छोटे मसल्स होते हैं ना, उसमें स्पैजम आ जाता है। मतलब वो सिकुड़ जाते हैं। स्पैजम मतलब एकदम टाइट हो जाते हैं, जैसे हमारे एकदम फ्लोई और एकदम क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रहने चाहिए ना, तो ऐसे नहीं रहते। इलास्टिसिटी उसकी एकदम रिजिड हो जाती है। फिर तो ऐसी आवाजें तब निकलती हैं बंदे की, जैसे ये हाँ ऊँट हाँ निकाल रहा है या हाँ क्योंकि काऊ गले निकालती है मू करके, वो इस टाइप की आवाजें निकलती हैं। जी, क्योंकि गले में नेसेसरी मॉइस्चर ऑलवेज रहता है, सांस लेने के लिए और आवाज निकालने के लिए। वो पार्ट जो हमारा है वो हमेशा उसका मॉइस्चर लेवल हाई रहता है। कभी कभी इसीलिए कफ भी हो जाता है ना, वहां में हमें सर्दी हो जाती है तो कफ। तो कफ अगर आपको बहुत जमा हो और आप बोलने जाए तो किस तरह से, तो वैसे ही गले में स्पाजम आ जाता है वहां पर थोड़ा। हाँ, ये जो विक्रांत जी भी आ गए हैं, मेरा काम तो आसान हो गया, बहुत तो ज्यादा अगर उनको माहिती है तो वो ज्यादा देंगे। मुझे जो छोटी माहिती थी, मतलब मैं इस ईएनटी की मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास बेसिक नॉलेज है, उसी वजह से मैं आ गई थी तो वो बताने बहुत के लिए। बहुत तो शुक्रिया आपका, बहुत जी धन्यवाद जी जी विक्रांत कांत जी। आप कुछ जी इस पर मजीद ऐड कर सकते हैं कांत जी? या हाय, सॉरी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई नीड टू मेक दैट क्लियर फर्स्ट। आई एक्चुअली अच्छा, वर्क, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई वर्क इन द मेंटल हेल्थ फील्ड। ओ, तो आपके पास तो इस किस्म के लोग आते होंगे जिनके इस टाइप की, जिनको टलियां सुनाई देती हो, जिनको जिनको मक्खियों की बिनबिनाहट सुनाई देती हो, तो इस किस्म के पेशेंट आपने कभी डील किया है? जी, आई वर्क इन अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी, तो मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर से, अनफॉर्चुनेटली दे आर स्ट्रगलिंग विद दोज सिम्टम्स। तो आई मीन, रूड लगता है थोड़ा कहना, लेकिन जब आप बात करते हैं मोहम्मद की और उनके रेवलेशंस की और उनकी, तो मुझे सिर्फ अपने पेशेंट्स का ख्याल आता है, क्योंकि उनको भी बिल्कुल वैसे ही बातें सुनती हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही बिलीव करते हैं, और आप जो मर्जी उनको कह लें, वो दे डू नॉट, यू नो, देयर इज नो वे टू कन्विंस देम अदरवाइज, बिकॉज दे आर एक्चुअली सीइंग एंड हियरिंग थिंग्स, यू नो। एंड अब तो बिकॉज वी मेड सम मेडिकल एडवांसेस एंड वी गॉट सम मेडिकेशन, सो वी कैन मिटिगेट दोज एक्सपीरियंसेस। उस टाइम पे तो कोई मेडिकेशन नहीं थी, तो फॉर मी एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई कैन क्लियरली रिलेट हिज बिहेवियर टू समबडी हु स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ। एंड ये भी एडम एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जिनको मेंटल हेल्थ है वो 24 घंटे, जैसे हम कह सकते हैं, यू नो, दे बिहेव वियरली। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो, यू यू गेट मेंटल हेल्थ इश्यूज मे बी अ फ्यू आवर्स इन अ डे, यू माइट हियर वॉइसेस फॉर अ फ्यू मिनट्स अ डे। इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट मेंटली इनकेपेसिटेटेड फॉर द 24 आवर्स, ऐसा नहीं होता, यू नो। डज दैट मेक सेंस? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब मोहम्मद साहब वो दरख्त के साथ जादू की जफ्फी दे रहे हैं, तो क्या आपने जी कभी देखा है कोई पेशेंट जो है वो दीवार के साथ या दरख्त के साथ बातें कर रहा हो और उसे लग रहा हो दरख्त तो उसके साथ बोलता है? रोज देखता हूँ सर, एवरी डे इट ना करें हैपेंस। यार ना करें, बाकी रोज रोज इस तरह के पेशेंट आते हैं दरख्तों से बात करने वाले। हर चीज से, एनी इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट कैन सी, आई डोंट नो, हमारा जो ब्रेन है इट्स अ वेरी पावरफुल ऑर्गन। पीपल कैन एक्चुअली सी थिंग्स, इट कैन मेक यू सी थिंग्स, इट कैन मेक यू हियर थिंग्स। इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज इन 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 द मेंटल हेल्थ अरेना, राइट, कि हमारा जी ब्रेन जी इतना पावरफुल है कि हम एक्चुअली देख सकते हैं। जो लोग आके कहते हैं कि हमें जैसे कोई एलियन दिख रहा है, हमारी अबडक्शन हो गई है, या हमें भूत दिख रहा है, तो उनको खारिज नहीं करना चाहिए, उनको एक्चुअली दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ है, पर उनकी रियलिटी में वो वाकई रियलिटी है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी कंपैशनेट विद देम। अब आई थिंक व्हाट, एक्सक्यूज मी, सॉरी ब्रदर, जी लेकिन सर यहाँ पे तो उन्होंने ये दिखाने के बाद लोगों को कत्लो कताल करवा दिया यार, मरवा दिया, क्या क्या कुछ कर दिया यार ये कुछ। लाइक अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन को अपना लीडर बना ले तो फिर ये होता है असल में, अगर देखा जाए। जी 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 आई टोटली अग्री विद यू समीर। अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स हैपेंड आई थिंक इज दैट मोहम्मद, इन माय अंडरस्टैंडिंग, वाज स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। उनके पास कोई इलाज नहीं था, तो जैसे विचक्राफ्ट में विचेस को पकड़ के जला देते थे, आपको मालूम होगा हमारी हिस्ट्री में, वो लोग जी जी सब बिल्कुल मेंटल हेल्थ पेशेंट्स थे। उनको कुछ दिखता था या वो डरते थे, वो कहते थे इनमें भूत आ गया। और हमारे सबकॉन्टिनेंट में तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी होता है ये, तो ओनली 1800 फिलिपे, एक हमारे फ्रेंच डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई
इनको इंसानों की तरह ट्रीट करो। उससे पहले एडम आपको मालूम है 1809 से पहले मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को चेन्स की तरह बांध के जानवरों की तरह रखा जाता था। सर हमारे आप पाकिस्तान में सोचिए। आज भी जो पागलखाना है वहाँ पे लोगों को बांध के रखा जाता है चेन के साथ। तो ये तो हमारे इसलिए पागलखाने में तो कोई कोई अपना 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 पेशेंट लेके नहीं जाता पाकिस्तान में, क्योंकि आज भी जी वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो मिडीवल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेट मी पुट इट दैट वे। जी जी तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। इतना सुपरस्टिशन है, इतना डर है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो फिर उसको इंसान नहीं समझते, यू नो। एंड 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 मजे की बात ये एडम कि वी ऑल गो थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, एवरीबडी, यू नो। लेकिन शर्म की वजह से कोई बताता नहीं है, कोई आगे नहीं आता। सो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे आपने बोला, अगर आज के दिन में आप खुद एग्जांपल दीजिए, आज के दिन में जब कोई कहता है कि मैं जीसस हूँ, जैसे मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको गॉड फोबिया हो जाता है कि वो ही अवतार हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर माशाल्लाह जीसस, माशाल्लाह राइट। माशाल्लाह। अब उनको हम क्या ये कहते हैं, हम मैं एक कहते सुना था सर, मैं एक किसी फैक्ट ये में देखा हमारे था हमारे इंडिया में ये। भी नहीं है क्या, वो जो कहता है मैं जीसस भी हूँ और क्या हूँ साथ में, वो भी हूँ, मैदी भी मैं हूँ, जीसस भी मैं हूँ, सब कुछ ही मैं हूँ। क्या नाम है यार उसका, डंगर का, नाम वो ही जो उसने, एक नाम उसने जीसस मेहंदी रखा हुआ है। नाम ही जीसस मैं नहीं रखा। हाँ, वो भी एक है हमारे हाँ पास सर, इंडिया में है सर हाँ आजकल एक। हाँ मैं एक्चुअली क्या, जी एक फैक्ट का वीडियो देखा था, तो उसमें बताया था एक बीमारी होता है जिसमें लोगों को लगता है कि वो जीजस हैं। जी विक्रांत सर, जी जी दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। और कईयों को जीसस लगता है, कईयों को लगता है वो दे आर बीइंग पर्सिक्यूटेड बाय अदर्स, यू नो। सो द ब्रेन कैन ट्विस्ट अस इन एनी शेप एंड फॉर्म, एंड इट्स वेरी कॉमन। और मुझे इस बात पे, लाइक जब भी मैं आप एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यू नो दैट आई लिसन टू यू, योर स्टाइल इज अमेजिंग एंड यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क विच इज सो नीडेड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, ऑनेस्टली, यू नो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत So I मेहरबानी। really appreciate your guys' work, and I know what you are putting at line as well. That's not, you know, I've not, that's not, that point is not missed me कि आप कितना रिस्क लेते हैं। But coming back to the point, Adam, दिमागी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी कॉमन है आज के जमाने में, अगर आप उनको उठा के मिडिवल पीरियड पे कंपेयर करेंगे ना, जितने भी बड़े हस्ते हैं, यू कैन इजीली डायग्नोज देम अच्छा सर आज के दिन में। जी जी, यहाँ पे हमारे पास एक और भाई है जो जिन्होंने सुपर चैट दी है सर, इनका नाम देखे जरा, योर मून गॉड अल्लाह। तो ये अगर अपने आप को अल्लाह कह रहे तो ये भी कोई उसी किस्म की दिमागी प्रॉब्लम में तो नहीं। नहीं, दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग, एंड एडम, इट्स वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन ब्रेन। आप ये भी देखिए, लेकिन सर किसी ये मेरे ख्याल ओवन में मैं क्लियर कर दूं, मैंने जोक तो बना लिया लेकिन भाई को बुरा लगेगा। यार मुझे पता है कि इन्होंने ये सरकास्टिकली अपना नाम रखा हुआ है, जी तो जी भाई कह रहे हैं $10 का सुपर चैट दिया, मैं फिर सुपर चैट हटा देता हूँ। $10 का सुपर चैट देते, मैंने कहा मोहम्मद प्रॉफिट वुड एंजॉयड बच्चाबाजी। सर ये आज के लिए नहीं है, किसी और दिन का ये टॉपिक है, हम जरूर इसके ऊपर बातचीत करेंगे, बच्चाबाजी के ऊपर पहले भी की है। लेकिन सर एक बात है दत्त भाई, बात यह सर, देखिए हम ये वीडियो दिखा रहे हैं और बना रहे हैं, पाकिस्तान में ये लोग ये वीडियो ब्लॉक कर देते हैं रादर देन कि हमें आंसर दें। यू नो दैट्स हाउ स्टूपिड इज दैट, यू यू टेल मी कि ये कौन सा फोबिया है कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने ब्लॉक करना है और लोगों को देखने नहीं देना है। व्हाट इज दैट काइंड ऑफ अ फोबिया, दैट्स व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। एडम, साइकोलॉजिकली अगर आप देखें, किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के सिर्फ तीन तरीके हैं। उसका एक एक्रोनिम है जिसे बोलते हैं फॉग, FOG, धुंध, राइट। अगर जी आप जी सोचिए, अगर आप डीप धुंध में हैं तो आप कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। वो FOG का मतलब होता है फियर, ऑब्लिगेशन एंड गिल्ट। इन तीन पैंथरों से आप किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। फियर तो इज वेरी कॉमन कि जी मैं आपको हर्ट करूंगा या मार दूंगा, या बच्चे जैसे कहते हैं जी मैं घर से भाग जाऊंगा, या मैं अपने आप में खाना नहीं खाऊंगा, बच्चों को, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, राइट। तो एक तो फियर है, जी जी और जी जी रिलीजन फियर बहुत यूज करता है, पॉलिटिशियंस फियर बहुत यूज करते हैं, दादागिरी, और खासकर जितनी इग्नोरेंस होती है, आप देखेंगे जो आदमी जितना इग्नोरेंट है वो उतनी जल्दी वायलेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं रहता, वो आपसे बहस नहीं कर सकते, तो उनके पास फिर ऑल्टरनेटिव यही रहता है कि जोर आजमाया जाए, ठीक है। दूसरा उसका एक्रम है ऑब्लिगेशन। आपको ऑब्लिगेशन डालते हैं, जैसे
हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें खाना खिलाया, एजुकेशन दी, अब हमारी बात मान, ऑब्लिगेशन, राइट। जी जी एंड जी द थर्ड वन इज गिल्ट, गिल्ट डालना किसी के ऊपर कि तुम्हारी वजह से ये सब गलत हो रहा है। जैसे बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम में जो मर्द अपनी बीवी को मारते हैं या अदरवाइज एज वेल, वो उनको मार के कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें मार रहा हूँ, और जो विक्टिम्स होते हैं ना वो बिलीव भी कर लेते हैं, इस करके साइकिल टूटता नहीं है। आप समझे वाह, मेरी बात? फॉग, FOG, फियर, ऑब्लिगेशन एंड गिल्ट। सर क्या बेहतरीन एक्रोनम दिया सर आपने, बेहतरीन। ये कोई मेडिकल साइंस एक्रोनम है बेसिकली? नहीं जी, दिस इज एक्चुअली अ बुक, मुझे उनके राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने उसमें ये पैसेज लिखा था। तो मेरी साइकोलॉजी स्टडीज में आई केम अक्रॉस दिस, यू नो दैट हाउ पीपल आर मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड, यू नो। तो मुझे ये एक्रोनम हमेशा याद रहता है कि, और मैं ये बार बार देखता हूँ जब आप आज इनफैक्ट एक्स मुस्लिम्स की डिबेट हुई थी इंडियन टीवी पे, मैं वो देख रहा था, तो वो कोशिश कर रहे थे लॉजिकली बात करने के लिए, दूसरे पक्ष के पास जवाब नहीं था, तो वो सिर्फ उनको शाउट करके, धमका के, उनके नेम्स लेके, उनको कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फॉर फियर। हर दफा यही होता है, हर दफा यही होता है। जी आपके साथ भी यही होता है मैंने देखा, लेकिन यू आर अमेजिंग बाय द वे, लाइक आई विश आई हैड स्किल्स लाइक यू टू अ डिबेट मैन, बट यू नो, बट आपके साथ भी यही होता है, यू आर राइट। विक्रांत जी, मेरा आपसे सवाल था। मैंने एक देखा था, एक कौन सा वेब सीरीज देखा था जिसमें एक साइकोपैथ की कहानी होती है, जो साइको लोग होते हैं ना, तो उसमें वो क्या क्या थॉट रहता है उनका, कि वो सारे काम गलत करते हैं लेकिन वो उनको जस्टिफाई भी करते हैं कि जो उन्होंने किया वो सही था। नहीं सॉरी भाई, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, आपका नाम क्या है? सर ये फैज भाई है हमारे, और फैस, ये भी पहले मुसलमान होते थे, और इन्होंने भी काफी अच्छी अच्छी उमदा उमदा गालियां निकाली हुई है मेरे को एक जमाने में अब ये मेरे पास बैठे होते हैं और ये मुझे लाला कहते हैं, यानी कि बड़ा भाई कहते हैं, तो एक जमाने में ये मेरे को गालियां निकालते होते थे, बड़ी अच्छी अच्छी इनके साथ डिस्कशन हुई हैं एक जमाने में। तो बस यार, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।